नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त देवाशीष। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे हो। मेरे स्पीकर चिकर परिवार के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो आज कौन कौन सा टॉपिक के ऊपर होने वाला है वो आपके सामने ही रखा हुआ है, जो कि है 100 वाट से लेकर 300 वाट तक एक ड्राइवर सेक्शन जो कि स्टीरियो के अंदर बना हुआ है, जिससे कि आप लोग 100+100 से स्टीरियो से लेकर 300+300 वाट स्टीरियो आप बना सकते हो। हालांकि इससे आप 500+500 वाट स्टीरियो एम्पलीफायर बना सकते हो। वो कैसे बनाओगे वो वीडियो में आगे मैं बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को स्किप ना करके अंत तक देखिए, जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। और आगे मैं इसका जो प्राइस है वो भी वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छा अच्छा वीडियो बनाता रहता हूँ और अपडेट देता रहता हूँ। और एक बात, आप सब लोग के सपोर्ट से हमारा जो परिवार है वो और भी बड़ा बन रहा है। तो दिल से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो करते हैं वीडियो को शुरू। तो वीडियो में आप लोग जो ड्राइवर सेक्शन देख रहे हो ये बना हुआ है TIP 4142 से सी देकर, जिसके अंदर लगा हुआ है सारा कुछ। इसको सिर्फ पावर से कनेक्ट करना पड़ेगा और आपको स्पीकर जोड़ना पड़ेगा, और इसके अंदर ग्लोबल नेटवर्क से शुरू करके जो फीडबैक कॉयल होता है वो सब कुछ है। फीडबैक कॉयल का काम है, ये वाला है हमारा फीडबैक कॉयल, जो कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छे फिनिशिंग के अंदर बनाया गया है फीडबैक कॉयल। इस फीडबैक कॉयल और ग्लोबल नेटवर्क जिसको कहते हैं वो एक रेजिस्टेंस और एक पीएफ देकर जिससे कि एक नेटवर्क बनता है, उसको ही कहते हैं ग्लोबल नेटवर्क। इसके ऊपर अगर आप लोग चाहते हो तो पूरा का पूरा एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और ये वाला है हमारा फीडबैक कॉयल, जो कि हमारा स्पीकर से जो इनरस करंट एम्पलीफायर को हम पहुंचाता है उससे बचाने के लिए ये कॉयल ज़रूरी होता है। तो सारा कुछ यही कुछ है, यहाँ पर सब कुछ लगा हुआ है। ड्राइवर सेक्शन कम्प्लीट है, इसके अंदर आपको देना पड़ेगा DC। अगर आपको आप इसमें देते हो तो आप मैक्सिमम +-65 वोल्ट आप इसके अंदर दे सकते हो, +-65 वोल्ट इसके अंदर आप दे सकते हो। अगर आप लोग 40-0-40 से लेकर 45-0-45 तक आप लोग इसके अंदर ट्रांसफार्मर यूज़ में ले सकते हो। तो इसको अगर आप 500 वाट में इस्तेमाल में लेना चाहते हो तो इसको क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, इसका जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है इसको आपको निकाल के यहाँ पर C5198 और 1941 1941 जो ट्रांजिस्टर आता है उसको लगा देना, और है 5200-1943 इसको भी इसके अंदर आप लोग लगा सकते हो। तो एक बात आप लोग ध्यान से देखना, इसके अंदर होल किया गया है जिससे कि आप लोग इसके अंदर बड़ा ट्रांजिस्टर जो बड़ा वाला ट्रांजिस्टर होता है TO93 जो ट्रांजिस्टर होता है वो इसके अंदर आराम से आ जाएगा। तो और इसके पीछे आप लोग को दिखाता हूँ। तो और एक बात, ये जो ड्राइवर सेक्शन है ये अलग है। अगर आप लोग दो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल में लेना चाहते हो एम्पलीफायर के अंदर तो आपको इसका जो ट्रैक है उसको काटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका जो ड्राइवर सेक्शन है दो अलग है, ठीक है। ये आप एक साइड के लिए बना सकते हो, इसको आप दूसरे साइड के लिए बना सकते हो। तो इसके पीछे मैं दिखा देता हूँ, तो आप लोग देख लीजिए। इसका जो कॉपर है इसको स्ट्रेंथ और इसका जो कॉपर का जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर जो शोल्डर मास्किंग होता है शोल्डर मास्किंग कर दिया। शोल्डर मास्किंग करने से क्या होता है, हमारा जो कॉपर का स्ट्रेंथ है वो और भी ज़्यादा बन जाता है, ठीक है। जिसके वजह से आपका जो करंट है इसके ट्रैक से बहुत अच्छे से सरपास होता है। तो यही सब कुछ है यहाँ पर लगा हुआ है, देख लीजिए। इसके ऊपर भी सब कुछ लिखा हुआ है, ड्राइवर सेक्शन के ऊपर मैं हर एक चीज़ लिख देता हूँ, तो आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर आएगा B+, यहाँ से B+ निकलेगा, यहाँ से VCC+IN होगा, जो प्लस इन होगा फिर इसके अंदर से आउट हो जाएगा, और यह हमारा स्पीकर प्लस, AB- AVCC-। तो इस तरफ भी वही चीज़ है, ये देख लीजिए। आप लोग अगर इसको यहाँ से काट लेते हैं बीच में से तो ये दो ड्राइवर सेक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो दो ड्राइवर सेक्शन इसके ऊपर आप लोग देख सकते हो, जो कि स्टीरियो बनाया गया है जिससे कि आपका जो एम्पलीफायर है वो आप लोग आराम से बना सको इससे स्टीरियो एम्पलीफायर, वो भी हेवी क्वालिटी के अंदर। तो आप लोगों ने देख लिया सारा कुछ इसके अंदर, तो मैंने इसका जो मॉडिफिकेशन है वो भी बता दिया, इसको कैसे आप लोग अगर लेते हो ड्राइवर सेक्शन को, इसको अगर आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो आप हेवी ट्रांजिस्टर लगा के इसको आप 500 वाट तक पुश कर सकते हो इस ड्राइवर सेक्शन को, जिससे कि आपका जो एम्पलीफायर है वो 1000 वाट का बन जाएगा, 500+500 का।
ये जो ड्राइवर सेक्शन है ये स्पेशली फॉर आप लोग आउटडोर में भी यूज़ कर सकते हो, इनडोर में भी यूज़ कर सकते हो। जिसका इसका जो वॉइस क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। और इनपुट सेक्शन यहाँ पर दिया गया है और केल्टन का कैपेसिटर इस्तेमाल किया गया है, और तो कुछ बोलने का नहीं है, क्योंकि हमारा जो ड्राइवर सेक्शन है वो मैं अच्छे से अच्छे क्वालिटी के अंदर बनाने का कोशिश करता हूँ। जो अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में मिलता है उसको ही मैं लेकर कोशिश करता हूँ जो ड्राइवर सेक्शन है उसको अच्छे से बनाया जाए और आप लोग अच्छे से इसको यूज़ कर सके। तो पीसीबी हालांकि मुझे अभी मार्केट में यही मिल रहा है तो मैंने इस पीसीबी में ही बनाया है। तो पीसीबी का जो थिकनेस है थोड़ा सा कम है, लेकिन हमारा जो कॉपर का जो स्ट्रेंथिंग किया गया है शोल्डर से, इससे क्या हुआ है इस पीसीबी का क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। और एक बात, कंपोनेंट अगर आपका जो ख़राब होता है बोर्ड के अंदर, वो इस तरफ से आप अगर अच्छे से वोल्टेज देते हो तो इस तरफ से कोई भी ख़राबी नहीं आएगा। अगर आपका मेन ट्रांजिस्टर फूकता है तो आपका जो ख़राब होने का चीज़ है इसके अंदर, तो ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर, ठीक है, आपका जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर तक ही ये ख़राब होगा और इस तरफ से आपका जो कोई भी प्रॉब्लम व इशू इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो यही सब कुछ है। तो वीडियो का अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात, जो ड्राइवर सेक्शन का प्राइस रहने वाला है स्टीरियो के अंदर, तो इसका जो प्राइस रहने वाला है ये 640 रुपये का इसका जो प्राइस रहने वाला है। और इसके साथ जो स्क्रू होता है कैबिनेट के, कैबिनेट में लगाने के लिए, इसके ऊपर होल करके आप लोग लगाओगे तो उसके साथ आपको 6 स्क्रू मिलेगा, जिससे कि आप लोग इस बोर्ड को इस कैबिनेट के अंदर, एम्पलीफायर के कैबिनेट के अंदर अच्छे से माउंट कर पाओ, ठीक है। उसका जो सैंपल है वो मैं दिखाने का कोशिश करता है, लेकिन फ़िलहाल तो मेरे हाथ के पास नहीं है। और तो आज के लिए बस इतना ही। तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, और बैकग्राउंड के साउंड के लिए मुझे माफ़ कर देना, और मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है तो इसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, और क्या बात है। और कोशिश कर रहा हूँ खुद को इम्प्रूव करने का, और एम्पलीफायर को भी, एम्पलीफायर के क्वालिटी को भी, और एम्पलीफायर के ड्राइवर सेक्शन को, ट्रांसफार्मर को, और भी अच्छे से अच्छा बनाने के लिए। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और देखिए क्या कुछ होता है। तो आखिर में जय हिंद, वंदे मातरम, और मिलता हूँ इसका जो एम्पलीफायर, कंप्लीट एम्पलीफायर लेकर। और एक वीडियो आने वाला है हमिंग के ऊपर, जो कि दो पार्ट में आएगा, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर देना। तो बस इतना ही।